शरद पटनायक हेले पीसीसी नुआ सभापति शरद पटनायक निजुक्ति नहीं एआईसीसी पक्षर विज्ञप्ति जारी होई पूर्वतन पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक इस्तफा ग्रहण करिबा परे हाईकमांड शरद पटनायक नुआ सभापति भाव निजुक्ति करिछंती पीसीसी सभापति किए हेब से नहीं दीर्घ मास हेब मानस मंथन दल रे चलीथला नेतृत्व परिवर्तन और संगठन को सुदृढ़ करिबा पई कांग्रेस विधायक को दिल्ली रु डकरा आसीथला। कांग्रेस रो सबु विधायक दिल्ली रे आयोजित बैठक रे जोग देई नुआ सभापति चयन और सांगठनिक परिवर्तन नहीं आलोचना करिथिले। 2019 रु निरंजन पटनायक पीसीसी सभापति पदरु इस्तफा दे सारिथिबा कहुतला बेले हाईकमांड तांको इस्तफा को किंतु ग्रहण करिनथला। या परे पीसीसी परिवर्तन नहीं दाबी होइतिला आउ शेषरे पीसीसी परिवर्तन करिछंती हाईकमांड। नुआ पीसीसी मुख्य होइछंती शरद पटनायक। एवं आम लीडर श्रीयुक्त राहुल गांधी मत ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भाव मनोनीत करीरणी कृतज्ञ मुझे ब्रजराज नगर निर्वाचन एक बुलू वर्तमान वर्तमान निर्वाचन एरिया एक बुलू चार दिन हो गला एरिया अच्छी बुलू आगामी दिन में भी सब कांग्रेस कर्मी सब कांग्रेस नेतृवृंद समस्त आशीर्वाद नहीं ओडिशावासी आशीर्वाद नहीं आम समस्त एक भाव 2024 निर्वाचन को कमी फेस करूँ से आम प्लां चकआउट करूँ गला निश्चित भाव में जो अभिज्ञता रही आम सब जिते कांग्रेस कर्मी अच्छा जिते विधायक वृंद अच्छा जिते एमपी आमर अच्छा एक्सएमपी एक्सएमएलए लिडर समस्त को मानने गाँव रु आरंभ कर राजधानी पर्यटन समस्त कांग्रेस कर्मी एक भाव में आम कमी समस्त हबु और एक भाव में कमी आम लड़े करूँ विरुद्ध से आम गले प्लां करूँ गला वर्तमान समस्ते एक भाव में समस्ते लगे आरंभ करूँ जिते गाँव रु आरंभ कर सहर पर्यंत सब कांग्रेस कर्मी कांग्रेस नेतृवृंद समस्त आशीर्वाद सहयोग नहीं कर आम समस्ते बसबू इठू गला संगठन को मजबूत कर गाँ स्तर आरंभ कर राजधानी पर्यंत केमती मजबूत करेस को से पदक्षेप नि ए तमाम संक्रांत अधिक आलोचना करने आम सहित फोनलाइन में सामिल होती सीनियर रिपोर्टर मौसमी महांती। मौसमी पूर्व आप आकलन करुते चर्चा करुते शरद पटनायक को नहीं कांग्रेस अंदर महल में चर्चा करा किंतु वर्तमान गोटे कांग्रेस संकट गोटे दुर्बल स्थिति में कांग्रेस रही तेणु शरद पटनायक दलपाई के संजीवनी साजिबे ये सबुठ बड़ कथा शरद पटनायक कहते समस्त को नहीं चलिए ज्योति समय रे जो नुआ पीसीसी प्रेसिडेंट को ना घोषणा हो शरद पटनायक कांग्रेस रो नुआ नेतृत्व तुलेबे ताकुने एबे बड़ प्रश्न बड़ चैलेंज शरद पटनायक कि अति शीघ्र ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन से जा प्रचार प्रसार कर 2024 निर्वाचन तो ये दुई दुईट निर्वाचन मुंड पर वर्तमान अच्छे और शरद पटनायक गोटे गुरु दायित्व वर्तमान समय दल देखिए तेरे 2019 साधारण निर्वाचन में कांग्रेस दल जिते दुर्बल स्थित को आसी जाता ओडिशार पराजय बरण करता से मानविकता दृष्टि तथा निज दायित्व दृष्टि निरंजन पटनायक इस्तफा देस्तफा दीर्घ वर्ष धरी ग्रहण कर तेरे आज कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी निरंजन पटनायक इस्तफा ग्रहण कर ओडिशा प्रदेश कांग्रेस रो नुआ पीसी सभापति भाव शरद पटनायक को दायित्व देखते देखो शरद पटनायक 2019 संबलपुर निर्वाचन लड़ी हेले से हारी कांग्रेस रो स्थिति अति खराब प्रदर्शन कर संबलपुर दीर्घ दिन धरी आप देखि शरद पटनायक कांग्रेस रो फ्रंट फुट रे नाहंती किंबा गोटे बड़ दायित्व रे नाहंती किंबा जितिकी दल पई किछि कि आसी ना विधायक अच्छा ना सांसद अच्छा किसी नाहंती किंतु एही समय रे कांग्रेस दल ओके ओके अटक चाहे यार भितर कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम आम सहित सामिल होती मोकिम आपको स्वागत करने चाहिए जे नुआ दायित्व पाउछंती शरद पटनायक किंतु कहा जाए कांग्रेस अंदर महल चर्चा करा जाए जे मोहम्मद मोकिम मध्य पीसीसी रेस रे थिले देखंतु चर्चा रा अवसान घटी वर्तमान तेनो हाईकमांड डाकिले समस्त कांग्रेस नेतृमंडली को आलोचना करतापर से एक निष्पत्ति जनई शरद पटनायक को दायित्व दिखाई तेणु समस्त कांग्रेस कर्मी को मोर आह्वान समस्त मिलित भाव ये कांग्रेस को मजबूत करने कार्यक्रम करवा मैंने सब ब्रजराज नगर अच्छू इलेक्शन इे ये गोटे बड़ चैलेंज बर्तन आम सामने नुआ मंगुआ नेतृत्व में ये निर्वाचन बर्तन आम पार हबु और बहुत भल भाव चल सब कार्यक्रम मधुर विश्वास ये शरद पटनायक नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हम
किंतु मुकिम आपनठु जानिया पई चाहि शरद पटनायक नेतृत्व रे बे आपन काम करिवे दल को संगठन को मजबूत करिवे जो दायित्व मिलिवो ताकु मध्य निर्वाह करिवे निश्चित रूपे जेतन कांग्रेस दल रे जने विधायक अछि एवं कांग्रेस मते विधायक करै छी मोर मध्य करते होछि दल पे कार्यक्रम करिया पई एवं को स्तर रे को पर्जय में काम करबि से परवर्ती अवस्था चिंता कर दियो कि समस्त कांग्रेस को सुदृढ़ करिया पई किंतु मोहम्मद बुकीम जे आमे देखुतुल गोटिए वर्ष हला आपनको नाकु नै चर्चा करा जाउतला आपन मध्य दाबीदार कथा कुआ जाउतला दिल्ली दरबार रे मध्य आपनको नाकु नै मध्य चर्चा करा जाउतला एबोली स्थिति रे आपन मध्य रेस रे थिले दिल्ली रे जेतले बैठक हेतला सतले किछि मध्य नेतृत्व मंडली चाहुतले जे मोहम्मद मुकीम हेले मध्य संगठन को गुटे सुदृढ़ करिवे किंतु चयन करिवार कोन मापकाठी रहिला से मापकाठी कांग्रेस हाई कमांड भलो कहि परिबे तनो ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଥିବ ମୁଁ ସେ ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଫେଷ୍ଟ ରହିବା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ସାବଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାହାପରେ ଯାହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଅର୍ବା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗ୍ରୋ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଚେହେରା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବେ କି କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବିରାଟ ସଂଗଠନ ତାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଜାନକୀବଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନି ଥର ଶାସନ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ବିଜୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏମିତି ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଖାମି ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ଯେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ ଆମେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଦିନ ତ ଆମ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିଧି ଭିତରେ କି ଆସିନଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଲ ବଲ୍ଟା ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଦେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଗକୁ ନଜର ରହିବ ଯେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହାର ଭିତରେ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାଲୁଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛୁ କାରଣ ହେଲା ସେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟର ୟୁଥ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବି ଥିଲେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି ଏମିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେମାନେ ଲାଭ ଉଠେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପିସି ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜୟନଗର ଇଲେକ୍ସନ ବି ବେଟର ହେବ ଏବଂ 2024 ଆସେମ୍ବଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ କୋଉ ଜାଗାରେ କହିନଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ କି ବିଧାୟକ ଭିତରେ ହେବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ସବୁ ବିଧାୟକ ରହିଲେ ଯେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବେ କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିବନି ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ରହିବନି ଦଳରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ କିଛି ରହିବନି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ
जे आगुक ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन ये निर्वाचन कांग्रेस पाई कोट ना कोट गुटे बड़ अग्नि परीक्षा पूर्व पंचायत अरबा निर्वाचन रे आपण मध्य कोट ना कोटी नैराश्यजनक प्रदर्शन करितले ये गुटे बड़ चैलेंज रहिबनि कि शरद पटनायक पाई निश्चित भाव रे चैलेंज रहबो किंतु तांको रात्रे मात्र 5 दिन अछि 5 दिन रे भी चेष्टा करिवे कि इलेक्शन ता बेटर हो ब्रजराज नगर एवं कांग्रेस भल करू ओके अशीजुक्त सालुजा मोर आपनकु प्रश्न रहिबो जेते बिजू जनता दल शक्ति बढौछि पंचायत अरबा निर्वाचन भल प्रदर्शन कला भारतीय जनता पार्टी फोकस रे रखुछि ओडिसा को केन्द्रीय नेतृत्व सेही समय रे शरद पटनायक भली नेतृत्व ये कांग्रेस आ बीजेडी को काउंटर करि परिबे कि निश्चित भाव रे या पूर्वर भी कांग्रेस शरद पटनायक जो पीसीसी प्रेसिडेंट थिले सेही समय रे जिला परिषद म्युनिसिपैलिटी सब भल करथिला एवं एबे भी भल करिवो ओके श्रीजुक्त संतोष सिंह सालुजा मोर शेष प्रश्न रहिबो जेतेबेले पीसी सभापति होंती आमे देखिछु ठीक 4-5 मास परे किछि नेता असंतोष प्रकाश करंती आ दिल्ली चलो अभियान आरंभ हुए ये प्रकृतरे एबे ठीक ठाक दल रे रहिबो त शरद पटनायक नेतृत्व कुले निश्चित भाव रे ये कथा न थिला 2019 रो श्रीजुक्त निरंजन पटनायक कोइ आछंती मोर इस्तीफा देछि इस्तीफा ग्रहण करा जाउ एवं नवनियुक्ति भी जोटा होती से आज पढ़ु दयाकोर टीके श्रीजुक्त निरंजन पटनायक इस्तीफा को ग्रहण करागला जगार करागला समस्त विधायक शरद पटनायक नेतृत्व में काम करेंगे निश्चित भाव समस्त 9 जन विधायक कांग्रेस श्रीजुक्त संतोष सिंह सालुजा दल गोटे कथा आलोचना करा जाए जे जनक तो पीसीसी दायित्व दिगला जे कार्यकारी सभापति रहिबार आवश्यकता मध्य रही किंतु एबे जो एआईसीस रो आसी विज्ञप्ति जो लेटर आसी खाली सभापति ना रही ना परवर्त पर्यायर कार्यकारी सभापति ना आसब ओके बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त संतोष सिंह सालुजा आपणकर मतामत पाई किंतु एसो भितरे विधायक संतोष सिंह सालुजा कथा कह जाऊ मोहम्मद मुकिम जे मध्य ए रेस रे थिले पीसीसी रेस रे से मध्य प्रतिक्रिया प्रकाश करुछंती मतामत मध्य दउछंती जे शरद पटनायक नेतृत्व रे दल आगु को संगठित हबो बिजू जनता दल आ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दबो आ दल रे अंतर कंदल अंतर विवाद जो रहिछि एगुडी को मध्य आउ हेबोनी दल एक मन एक प्राण ही काम करिबो किंतु एसो भितरे शरद पटनायक जदि राजनैतिक प्रोफाइल कथा जदि कहा जाए 1990 सांसद बलांगीर सांसद थिले अनेक गुरुत्वपूर्ण दलर दायित्व थिले एवं 2001 रु 2004 पर्यंत दलर पीसी सभापति दायित्व थिले एवं तापरे द्वितीय थर पर 2022 रे गुरुत्वपूर्ण दायित्व दौंस हाईकमांड तेणु एभली स्थित अभिज्ञता रही किंतु बेस किछि दिन पूर्व जदि राजनीतिक कथा कह जाए से कौट ना कौट टिके दलर विभिन्न कार्यक्रम रे सामिल हो नथिले बैकफुट रे किंतु दलर तांकर ए जो गोटिए वर्ष होला तांकर नाक नै मध्य चर्चा करा जाउतला पंचायत ता सहित अरबा निर्वाचन रे मध्य सक्रियता रहितला किंतु ये अंक नेतृत्व दल को केते संगठित करिवो दल को केते मजबूत करिवो ये सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा।